रसायन के अध्ययन में हम लोग अब अध्ययन करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी है क्या? पहले ये यूपी बोर्ड के रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री में रहता था रेडियो एक्टिविटी, अब ये फिजिक्स में हम लोग अध्ययन करते हैं एनसीईआरटी में, कंपटीशन में भी देखते हैं, हर कंपटीशन में भी रेडियो एक्टिविटी होता है। आखिर में रेडियो एक्टिविटी है क्या? इस रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में 118 तत्व खोजे गए हैं, और भी आगे तत्व हैं, लेकिन 118 तत्व डिस्कवरी किए गए हैं। उन तत्वों में से परमाणु क्रमांक 83 यानी एटॉमिक नंबर 83 के बाद जितने तत्व होते हैं सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये रेडियो एक्टिविटी के गुण दर्शाते हैं। अब ये रेडियो एक्टिविटी का मतलब है क्या? रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है स्वतः इनके नाभिक में विनिमय होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, परमाणु में नहीं, कक्षाओं में नहीं, बल्कि इनके नाभिक में परिवर्तन होता है। परमाणु क्रमांक 83 के बाद जितने होते हैं सब रेडियो एक्टिव होते हैं। प्रकृति में उपस्थित भारी तत्वों के अस्थायी नाभिक जो स्वतः विघटित होकर रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें, और ये घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। हमने क्या कहा? प्रकृति में उपस्थित भारी तत्वों के अस्थायी नाभिक स्वतः विघटित होकर वेधी किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। वेधी किरणों का मतलब है अल्फा, बीटा और गामा, यानी इन किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, इन्हीं को कहते हैं रेडियो एक्टिव किरणें, राइट। परमाणु क्रमांक 83 के बाद जितने तत्व होते हैं सब रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यूरेनियम क्या रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम का सिंबल होता है यू। नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम यानी एनपी भी रेडियो एक्टिव होता है। पोलोनियम, पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव होता है यानी पीओ। ऐसे बहुत से तत्व मिलेंगे जो परमाणु क्रमांक 83 यानी बिस्मथ के बाद जितने तत्व होते हैं सब रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है इनके नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरण का निकलना। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? इसकी जो खोज हुई थी सबसे पहले फ्रेंच के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने किया था सन 1896 ईस्वी में। इन्होंने कैसे किया रेडियो एक्टिविटी की खोज? हेनरी बेकुरल अपने प्रयोगशाला रूम में बैठे थे, वहां पर इन्होंने देखा कि जैसे फोटोग्राफिक प्लेटें और भी चीजें उनके पास थी, उनके नेचर में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। अब हेनरी बेकुरल के मन में यार विचार आया कि ये हो क्या रहा है, आखिर में जो फोटोग्राफिक प्लेटें हैं धीरे धीरे इनके सतहें जो है काली क्यों पड़ रही हैं। तो हेनरी बेकुरल सोचने लगे कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। तो हेनरी बेकुरल ने देखा कि कहीं समीप में रेडियो एक्टिव रखा है और उनसे अल्फा बीटा गामा किरण निकल रहे हैं। अब अल्फा बीटा गामा किरण निकल रहे थे, किरणें दिखाई तो देंगी नहीं, एक अनुमान लगा रहे थे कि और किसी में इतना परिवर्तन नहीं, सबको हटा के देखते गए, लेकिन जब वहां पे रेडियो एक्टिव रखा था तो ऑलरेडी कुछ न कुछ परिवर्तन आता ही रहता था। तो हेनरी बेकुरल परेशान हो गए यार कि ये घटना है क्या, ये घटना एक रेडियो एक्टिविटी है या रेडियो धर्मिता है? इनके नाभिक में से लगातार अल्फा बीटा गामा किरण का निकलना ही रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अच्छा, तत्व तो रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं? यह कैल्शियम तो रेडियो एक्टिव नहीं होता, सोडियम रेडियो एक्टिव नहीं होता, पोटेशियम नहीं होता,
या फिर निकल ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ये सब रेडियो एक्टिव नहीं होते। यूरेनियम वगैरह ही रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं? तो वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया, जिस परमाणु के नाभिक में N5P यानी कि कह सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से अधिक हो जाए, तो वे सभी तत्व रेडियो एक्टिव होंगे, अर्थात रेडियो एक्टिवता का गुण दर्शाएंगे। जिसके भी नाभिक में N5P न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से अधिक होगा वो सब रेडियो एक्टिव होंगे, और जिसके नाभिक में N5P न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से कम होगा या बहुत कम होगा तो रेडियो एक्टिव नहीं होंगे, या 1 से कम होंगे रेडियो एक्टिव नहीं होंगे। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है, हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे H3 देखेंगे, ये भी कुछ रेडियो एक्टिव होता है, क्योंकि ये भी देखा गया जिसके नाभिक में N5P का मान बहुत कम हो तो भी रेडियो एक्टिव होता है, या फिर 1.5 से अधिक हो तो रेडियो एक्टिव होता है, राइट। रेडियो एक्टिवता के अध्ययन में सर्वाधिक योगदान क्यूरी परिवार का रहा, यानी पूरे परिवार, पूरे खानदान मिलकर ही रेडियो एक्टिवता की खोज किए थे, सर्वाधिक योगदान क्यूरी परिवार का रहा। उसके बाद मैडम क्यूरी, उनके पद पियरे क्यूरी ने यूरेनियम से एक नए तत्व रेडियम की खोज की है, जो यूरेनियम की तुलना में 30,00,000 गुना अधिक सक्रिय होता है। आप देखते हैं रेडियम बहुत अधिक सक्रिय होता है, रेडियम यूरेनियम की तुलना में 30,00,000 गुना अधिक सक्रिय। यूरेनियम के खनिज यानी कि पिच ब्लैड का सूत्र होता है, फार्मूला होता है U3O8 के 1 टन की मात्रा से, 1 टन यानी 10 क्विंटल, इसके 1 टन की मात्रा से केवल 0.15 ग्राम रेडियम पृथक किया गया। अब आप समझ सकते हैं खोदा पहाड़ निकले चूहिया, 1 टन की मात्रा से केवल 0.15 ग्राम रेडियम पृथक किया गया, कितना कम, 1 टन की मात्रा से 0.15 ग्राम रेडियम पृथक किया गया, और ये यूरेनियम तुलना में 30,00,000 गुना अधिक सक्रिय होता है। तो ये सभी जो बातें बताई, ये रेडियो एक्टिवता के बारे में बताया गया, राइट। इसके बाद काफी कुछ बातें आती हैं, जैसे इनके रेडियो एक्टिव तत्वों के प्रकृति के बारे में जानेंगे। उसके बाद मैरी क्यूरी, आयरन क्यूरी ने यूरेनियम से एक नए तत्व रेडियम के तमाम प्रकार के तत्वों की खोज की, पोलोनियम, प्रोटोक्टिनियम, बहुत से तत्व खोज किया गया। अगर रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रकृति की बात करें, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स, क्या है रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रकृति, रदरफोर्ड तथा बैलार्ड नामक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रकृति का अध्ययन किया। इन्होंने किया क्या, इन्होंने कांच की प्याली लिया, क्या लिया, कांच की प्याली, और उस कांच की प्याली में एक रेडियो एक्टिव टुकड़े को रख दिया इस प्रकार से। रेडियो एक्टिव टुकड़े को रखने के बाद एक साइड में नेगेटिव की प्लेट लगा दिया गया और एक साइड में पॉजिटिव की प्लेट लगा दिया गया, और ये कांच की प्याले बिल्कुल बीच में रखा गया है, इससे अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलते हैं। ये देखिए, ये रहा अल्फा रेस और ये रहा बीटा रेस और ये रहा गामा रेस, राइट। ये रेडियो एक्टिव है, और ये लेड ब्लैक कांच की प्याली है, कैथोड है, और ये एनोड है, और यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया गया है, जो कि इनके प्रभाव इफेक्ट से धीरे धीरे ये काली पड़ जाती है। अब यहां पर होता क्या है, जब रेडियो एक्टिव किरणों को विद्युत के क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है, अल्फा किरण रीड प्लेट की ओर, बीटा किरण धन प्लेट की ओर,
गामा रेस आवेश तथा द्रव्यमानहीन होने के कारण ये सीधे निकल जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यार अल्फा किरण की ओर रेड प्लेट की ओर मुड़ जाती है, बीटा किरण की ओर धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है, गामा किरण की ओर सीधे निकल जाती है। चूंकि जो अल्फा किरणें होती हैं ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, और आप जानते हैं जो अल्फा कण होते हैं ये हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं, 2HE4। अल्फा कण हीलियम परमाणु में यही अंतर होता है, जब इससे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो बन जाता है अल्फा कण, नाभिक में दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बचते हैं बस। और जो बीटा किरण होते हैं नेगेटिव ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए धन प्लेट की ओर मुड़ जाते हैं। गामा रेस पर ना तो कोई आवेश होता है और ना ही कोई द्रव्यमान होता है, इसलिए ये सीधे निकल जाते हैं। इस प्रकार से रदरफोर्ड था बैलार्ड नाम वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया। अच्छा, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं अल्फा बीटा सबसे अधिक जो विचलन हो रहा है बीटा में हो रहा है, क्योंकि बीटा का जो द्रव्यमान होता है वो अल्फा से कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक हुआ है। ये कई बार ये IIT के क्वेश्चन भी बना हुआ है, सबसे अधिक विचलन किस किरण में होता है, तो ये बीटा किरण में होता है, राइट। तो ये था नेचर ऑफ रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट्स। अब हम लोग इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे, इनके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। थैंक्स, अब अगले वीडियो में मुलाकात करें। चलिए अब इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, अगले लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे।